हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लाई है आपके लिए, जो कि है फेरेरो रोचर को कैसे हम घर पे आसानी से बनाएं। वैसे तो ये मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, पर ये घर पे बनाना भी बहुत आसान है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें लेना है 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड और 100 ग्राम डार्क कंपाउंड। तो हमारा ये जो कंपाउंड होता है वो 400 ग्राम का होता है पूरा। तो उसमें जो है चार ऐसे मतलब टुकड़े जैसे होते हैं, तो हमें उसका एक टुकड़ा लेना है, दोनों कंपाउंड्स का एक एक। दोनों चॉकलेट के कंपाउंड्स को ऐसे काट लेना है, देखिए कुछ इस तरह से चाकू की मदद से हमें इसे अच्छे से काट लेना है। तो इसे मैं ना ओवन में अभी मेल्ट कर लूँगी तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए, मतलब ऐसे टेम्प्ट कर लेना है बेसिकली, और हमें इसे अच्छे से स्टिर कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब हम लेंगे ये शेल्स, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं, ये एडिबल शेल्स हैं। और अभी मैं इसे ट्रे में निकाल लेती हूँ, और अब हम लेंगे हेजलनट जो कि हमें 100 ग्राम लेना है, और हमें 10 से 12 काजू लेने हैं और 10 से 12 बादाम। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने शेल्स लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम उसमें अपना मिल्क कंपाउंड डालेंगे। वैसे तो इसमें सेंटर फिलिंग में न्यूटेला डाला जाता है, पर मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड डाली हूँ, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो हमें एक शेल लेना है, उसमें हमें अपना मिल्क कंपाउंड डालना है, और फिर उसमें हमें एक हेजलनट डाल देना है, देखिए कुछ इस तरह से आपको ऐसे करना है, और बाकी सब भी हमें ऐसे ही कुछ इस तरह से भर लेने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों शेल्स में मैंने भर लिया है। तो अब हम एक के ऊपर एक रख के इसे चिपकाएंगे, इसे आपको इसे संभल करके करना है वरना आपकी चॉकलेट नीचे भी गिर सकती है। तो देखिए अब हमारे सारे शेल्स रेडी हैं, और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम अपने बाहर की जो कोटिंग रहेगी उसकी तैयारी करते हैं। हमारी डार्क चॉकलेट है जिसको देखिए मैंने मेल्ट कर लिया है, और उसमें हम डालेंगे काजू और बादाम, ये खिस करके आपको डालना है, छोटे छोटे टुकड़े से डालना है। और यहाँ मैंने हेजलनट को भी ऐसे पीस लिया है, तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे करना है, और हमें इसे दरदरा पीसना है, और ये दरदरा पीस करके देखिए कुछ इस तरह से हम इन सबको चीज़ों को इसमें डाल देंगे हमारे डार्क चॉकलेट में। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारी बाहर की कोटिंग रेडी है। तो देखिए कुछ थोड़ा सा इसे सेट करके मैंने इसे बाहर निकाल लिया फ्रिज से। ये सब शेल्स अच्छे तरह से चिपक गए हैं। अब हम इसे चॉकलेट से कोट करेंगे। तो अब हम इसे जो है चॉकलेट में डाल करके इस पर कोटिंग कर देंगे उसकी। तो देखिए कुछ इस तरह से करना है, इसे आराम आराम से कीजिएगा। तो देखिए सारे के सारे मेरे चॉकलेट जो है ये कोट करके रेडी हो चुके हैं, देखिए कितने सुंदर से भी लग रहे हैं ये। और अब मैं इसे फ्रिज में जो है फ्रीज होने के लिए रख देती हूँ, और ये जल्दी फ्रीज होने लग जाता है क्योंकि चॉकलेट जो हमारी जल्दी फ्रीज हो जाती है। तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए अब मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये एकदम अच्छे से फ्रीज हो चुका है। तो अब हम पैकिंग भी आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ लिए है चॉकलेट रैपर्स, ये बेसिकली गोल्डन कलर्स में होते हैं फेरेरो रोचर के, बट यहाँ पे मेरे पास गोल्डन नहीं था तो मैंने अलग अलग कलर्स के लिए हूँ। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं आपको। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे पैक करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी चॉकलेट जो है रैप करके रेडी हो चुकी है। तो अब मैं जो है हमारी चॉकलेट को काट करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने इसे काट लिया है, और हमारे जो है सेंटर में दोनों साइड फिलिंग्स भी है और हमारा हेजलनट भी है। इसे आप बना करके बेच भी सकते हैं, ये बहुत ही आसान है बनाना, इसकी कॉस्टिंग भी आपको बहुत कम पड़ती है।
तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट क्लिक द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।